नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्येश गोर में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंचायत सचिव के बारे में। पंचायत सचिव भर्ती से रिलेटेड एक और नई अपडेट आ चुकी है, तो वही आज आपको जानकारी देने वाले हैं। क्या अपडेट है, आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी। जैसे कि पहले भी नोटिफिकेशन आया था, उस रिलेटेड अपडेट फिर से नया एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, उसी अपडेट के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहां पर भी आपको अपडेट आसानी से मिल सके। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पंचायती राज संचालनालय मध्य प्रदेश भविष्य निधि कार्यालय के समीप अरेरा हिल्स हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के पास है इसका ऑफिस का एड्रेस। दोस्तों भोपाल दिनांक 13/9/2024 की इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 11/31 दिनांक 21/8/2023 द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के सातवें वेतनमान दिनांक 11/8/2023 से प्रभावशील किया जाता है। और दूसरी बात, ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति दिनांक 2 वर्ष तक सेवा अवधि, अगर नए सचिव की जैसे भर्ती होती है तो 2 वर्ष तक उन सचिवों को केवल ₹10,000 प्रतिमाह वेतन जो है वो फिक्स कर दिया गया है, वही वेतनमान उन्हें दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति दिनांक 2 वर्ष तक सेवा अवधि के लिए केवल ₹10,000 प्रतिमाह वेतन फिक्स किया जाएगा। 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि की कार्यवाही पूर्ण होने पर 2 वर्ष आपने जो आपकी सेवाएं अगर आप देते हैं 2 वर्ष के बाद आपका वेतनमान क्या रहेगा, ठीक है। 10 वर्ष तक की सेवा के लिए अगर आप 10 वर्ष की सेवा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 6वां वेतनमान स्टार्ट किया जाएगा, वो 7वां वेतनमान भी आपको दिया जाएगा। वो क्या दिया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा काल पूर्ण करने वाले को दिया जाएगा 7वां वेतनमान, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। उपरोक्त अनुसार 7वां वेतन के साथ ही यात्रा भत्ता आदि पूर्ववत लागू रहेंगे। आगामी वेतन वृद्धि जुलाई माह में दे रहेगी। महंगाई भत्ता वर्तमान में 42% देय होगा, जो समय समय पर शासन द्वारा बढ़ाए जाने का तदनुसार देय होगा। यह आदेश मंत्री परिषद के आइटम क्रमांक 16 दिनांक 11/8/2023 द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार यहां पर दिया गया। तो दोस्तों इस नोटिस के आधार पर अगर आप सचिव के फॉर्म भरते हैं तो आपको 2 वर्ष तक केवल ₹10,000 प्रतिमाह ही दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड जैसे कि कोई अपडेट आता है सबसे पहले आपको जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि इसमें आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। तो ये सैलरी के बारे में अपडेट देने वाले हैं कि ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति अगर आप नियुक्त होते हैं तो 2 वर्ष तक आपको केवल ₹10,000 प्रतिमाह दिया जाएगा, ठीक है। 10,000 प्रतिमाह आपको वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।